नमस्कार, हमारी खास परचर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह पर चला रहा सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना पक्ष और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर आज फिर से निर्वाचन आयोग के सामने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सुनवाई हो रही है। वहीं 17 जनवरी को शिवसेना पार्टी और धनुष बाण की साइन पर चुनाव आयोग के सामने सुनवाई हुई थी, लेकिन 17 जनवरी को ठाकरे समूह के वकील कपिल सिब्बल और शिंदे समूह के वकील महेश जेठमलानी के द्वारा अपनी दलीलें पेश करने के बाद सुनवाई 20 जनवरी के लिए टाल दी गई थी। देखिए हमारी इस पर खास रिपोर्ट। किसकी होगी शिवसेना? ईसीआई की सुनवाई पर महाराष्ट्र का फोकस। शिंदे गुट का दावा, हमारे पास है बहुमत। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही है क्या असली शिवसेना? क्या आज भी मिलेगी नई तारीख? 17 जनवरी को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग ने दोनों गुटों की दलीलें सुनी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना है असली शिवसेना है, ऐसा उद्धव ठाकरे की गुट ने कहा। शिवसेना में कोई भी फूट नहीं है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने दावा किया कि कथित बंटवारा काल्पनिक है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का भी जिक्र किया था। एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक शिवसेना के धनुष और तीर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कोई सुनवाई करना नहीं चाहिए और ना ही कोई निर्णय लेना चाहिए। अगर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करता है तो चुनाव आयोग का उपहास होगा। आज इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है और इस सुनवाई का जो फैसला होगा, शिवसेना का जो सिंबल है धनुष बाण और नाम, इसके बारे में वो चुनाव आयोग जो है वो शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना जो है उसकी तरफ में ही निर्णय देगा, ऐसे हमें पूर्ण आशा है। शिवसेना की एक धरोहर है, विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। हमारे जो पेपर वर्क है वो पूरा जेन्युइन है और हमारे वकीलों ने जो दलील रखी है इलेक्शन कमीशन के सामने, हमें पूरी आशा है कि ये धनुष बाण और नाम जो है पार्टी का वो हमें ही मिलेगा। वहीं शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि हमारे पास विधायकों और सांसदों का बल है तो हमारी शिवसेना ही असली शिवसेना है। शिंदे गुट के विधायक जेठमलानी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक किसी को निलंबित नहीं किया है, इसलिए जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्ववादी विचार बेचने का काम किया है, उनके कंधे पे, उनके हाथों में अभी तीर कमान यानी धनुष बाण शोभा नहीं देता है। दो दिन पहले यही उद्धव ठाकरे गुट के बहुत सारे पदाधिकारी, प्रवक्ता भारत के निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप कर रहे थे कि वो पार्शलिटी कर रहे हैं, वो एकनाथ शिंदे साहब के सामने झुके हैं। वो आज उनका बयान फिर से बदल गया और फिर से धनुष बाण के ऊपर दावा कर रहे हैं। बहुत ही हास्यास्पद घटना है। जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचार बेचने का काम किया है, अब फैसला किसके पक्ष में आता है और किसको आस है? शिवसेना का तीर कमान और शिवसेना मिलती है, ये देखना होगा। दोनों गुटों का अस्तित्व का अब क्या होगा, ये सवाल कायम है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र से हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, राहुल लोढ़े जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमके न्यूज़ पर। चिंतामणि जी हैं जो कि ठाकरे गुट से हैं, प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ नितिन जी भी हैं जो कि कानून विशेषज्ञ हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और भरत सिंह भी हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमके न्यूज़ पर। सबसे पहले राहुल जी, मैं आप ही के पास आऊँगा। जिस तरह से अभी आपकी जब मैं बाइट सुन रहा था, जिसमें आपने आरोप लगाया था कि बाला साहब के जो विचार हैं उनको बेचने का जो आरोप आपने लगाया था, एक बहुत सिंपल सी बात है कि उनके विचार, उनकी विरासत, उनके संस्कार और उनकी सोच को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए पार्टी का नाम या फिर पार्टी का चिन्ह शायद मैटर नहीं करता, क्योंकि आप उनकी विरासत को आगे ले जा रही हैं। अगर विरासत से हटके अगर बात करें तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसका लोगो आ जाता है, उसका वजूद आ जाता है पार्टी का, बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। तो ताल्लुक किससे है? चुनाव चिन्ह पार्टी से है या फिर उसके जो भी उसके दायरे में चीज़ें आती हैं, वो भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन चीज़ों का, कि सिर्फ विचार से मतलब है, बाला साहब की विरासत को आगे बढ़ाने से मतलब है, आखिर किस चीज़ से मतलब है शिंदे गुट को? देखिए, आप सिंपल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
दो दिन पहले आपके चैनल पे ये चर्चा हुई थी और उसमें ठाकरे गुट के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय किशोर तिवारी सर थे, उनका एक बयान था कि उद्धव ठाकरे जी एक नया हिंदुत्व इस देश में लेके आ रहे हैं। मतलब बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व उद्धव ठाकरे जी ने छोड़ दिया, ये इसका अर्थ निकलता है तिवारी साहब के बयान से। और आपने जो कहा कि बाला साहब ठाकरे ये तो शिवसेना पक्ष शिवसेना प्रमुख थे, बाला साहब ठाकरे जी ने 1969 में शिवसेना की स्थापना की, उसका वजूद क्या था? हिंदुत्व वजूद था। बाला साहब ने इस महाराष्ट्र में, इस मुंबई में, देश में हिंदुत्व राष्ट्रीयत्व ये विचार सबको दिया और उनके पश्चात ही उनके अर्जुन और सुपुत्र उनके पोते उनकी विचारधारा ही खत्म करने का काम करते हैं इस पूरे राज्य में, देश में, दुनिया में। तो इस पार्टी पे हक किसका रहता है जो उनके विचारों की, जो विचार के वंशज है, जो विचार के वारिस है, विराजदार बोलते वारिस है, वही आगे लेके जा सकते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं कि जो किशोर तिवारी साहब दो दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से ही उन्होंने बयान किया था कि उद्धव ठाकरे एक नया हिंदुत्व देश में ला रहे हैं, मतलब क्या कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़ दिया? ये सामने आता है उनकी बातें और उनकी जुबान पे सच आया कि बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व बार बार बोल रहे थे, ये कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री पद के कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब का हिंदुत्व छोड़ा, विचार छोड़े, वही हिंदुत्व एकनाथ शिंदे साहब 13,540 सीधा जाके लेके जा रहे हैं। तो अगर विचार के बारे सर, अगर एकनाथ शिंदे साहब 13 सांसद है, 40 विधायक है, महाराष्ट्र में जो जो जिला प्रमुख, तालुका प्रमुख, शहर प्रमुख, जो पार्षद एकनाथ शिंदे साहब के साथ जुट रहे हैं, अगर विचार एकनाथ शिंदे साहब आके लेके जा रहे हैं तो पार्टी भी एकनाथ शिंदे साहब ही आके ले जा सकते हैं। तो भविष्यवान जो ये ठाकरे गुट दो दिन पहले उनका क्या बयान था कि बाबा उन्होंने तो सीधा सीधा निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप किया था कि निर्वाचन आयोग के निश्चय के ऊपर उन्होंने शंका उपस्थित की थी कि हमको मालूम है एकनाथ शिंदे साहब के बाजू में निकल लगने वाला है, इनके उनका बयान था। आज वो बयान से शुरू कर रहे हैं, आज बोल रहे हैं कि धनुष्यबाण पे हमारा दावा है, पार्टी हमारी है। अगर पार्टी आपकी है तो बाला साहब ठाकरे के विचार क्यों छोड़े? पार्टी और विचार ये दोनों एक है। पार्टी अगर विचार छोड़ सकते हो, आपने विचार छोड़े हैं तो पार्टी पे भी आपका हक नहीं है। धनुष्यबाण जो चिन्ह है उस पर आपका हक नहीं है। जो पार्टी एकनाथ शिंदे साहब चाहते हैं वो बाला साहब ठाकरे जी के विचार की पार्टी है। अगर विचार इनके पास नहीं है तो पार्टी लेके क्या करने वाले हैं? धनुष्यबाण लेके क्या करने वाले हैं? जो बाला साहब ठाकरे के विचार बेचते हैं उनके हाथ में धनुष्यबाण शोभा नहीं देता है, उनके कंधे पे धनुष्यबाण शोभा नहीं देता है। पहले विचार बेचते हैं फिर पार्टी बेचेंगे। एकनाथ शिंदे साहब क्या कर रहे हैं, क्या उनकी गलती है? जो बाला साहब विचार है, बाला साहब के जा रहे हो, बाला साहब के विचार ज्यादा महत्व रखते हैं या पार्टी ज्यादा महत्व रखती है? देखिए विचार और पार्टी में ही बात कर रहा हूँ, विचार और पार्टी। बाला साहब ठाकरे के विचार के बगैर पार्टी चल नहीं सकती है। जिस वजूद पे बाला साहब ने विचार के ऊपर पार्टी की स्थापना की थी वो शिवसेना पक्ष की, अगर बाला साहब ठाकरे के विचार ही नहीं उस पार्टी में तो पार्टी लेके क्या करेंगे वो? मतलब पार्टी और विचार एक ही है, पार्टी के बिना विचार नहीं और विचार के बिना पार्टी नहीं है। और विचार अगर एकनाथ शिंदे साहब लेके जाना चाहते हैं, एक लेके जा रहे हैं, तो पार्टी भी एकनाथ शिंदे साहब ही साथ जाएंगी और उस पर एकनाथ शिंदे साहब पे ही शिवसेना पार्टी के ऊपर पूरा 100% हक है, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है चिंतामणि जी, जिस तरह से उन्होंने साफ साफ कह दिया विचार पार्टी और पार्टी विचार दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, दोनों पृथक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अब जाएंगे तो एक के हिस्से में जाएंगे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि उनका जो मेन मोटो है कि सबसे ज्यादा बहुबल मेरे पास है, संख्या बल मेरे पास है, तो पार्टी भी मुझे मिलनी चाहिए। और आज भी दलीलों में यही चीज का जिक्र किया जा रहा है, जिसे कपिल सिब्बल जी ने खारिज कर दिया है, जो इन्होंने दावे किए हैं कि मेरे पास संख्या बल ज्यादा है तो इसलिए पार्टी। तो हालांकि अभी भी दलीलें चल रही हैं, लेकिन अभी जो अपडेट आई है उसमें यही है कि उन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया है कि उनके पास जो इनका दावा कर रहे थे, हालांकि वो बात अलग है कि इस पर और विचार होगा और बहस होगी, लेकिन हाँ आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? चिंतामणि जी आप तक आवाज आ रही है? ठीक है चिंतामणि जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। नितिन जी मैं आपके पास आऊंगा। राहुल जी बिल्कुल अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, जाहिर सी बात है उनका दायित्व भी है और धर्म भी है, लेकिन जिस तरह से कुछ थोड़ा सा अगर ऐसे इजी भाषा में अगर समझना चाहें कि पिता में अगर पिता का कोई सहयोगी है और वो उनसे प्रभावित है तो जाहिर सी बात है उनके विचार तो घर से बाहर ले जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है
वो तो बेटे को ही मिलेगी उनकी, ऐसा कहा जाता है। थोड़ा सा आपने भी कुछ पहले ऐसे ही कुछ समझाने के लिए उदाहरण कुछ दिए थे, थोड़ा सा और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसे किस तरह से और इजी भाषा में समझा जा सकता है, कानूनी जो दांव पेच है। नितिन जी आवाज नहीं आ रही, नितिन जी आप तक आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है जी? हेलो जी, आपकी आवाज सर दर्शकों तक पहुंच रही है। हाँ जी, देखिए जी, पहली बात जो शिवसेना है, अभी शिवसेना से इतना शिंदे 40 एमएलए को लेके अलग हुए हैं, भी उनके साथ है। चुनाव आयोग में जो अभी दलीलें चल रही है या जो केस पेंडिंग है, ये जो केस पेंडिंग है ये चुनाव चिन्ह को लेकर, पार्टी के नाम को लेकर चुनाव चिन्ह पेंडिंग है। पहली बात, शिंदे गुट जो है वो शिवसेना से ओके अलग गुट बना चुका है, ठीक है। ये जो गुट है इसको पार्टी के तौर पे कोई मान्यता नहीं मिली है, जो इलेक्शन की जो लॉस है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसके तौर पे उनको कोई भी मान्यता नहीं है, यानी कि आप उनको अनऑथराइज या अनरिकॉग्नाइज पार्टी कह सकते हैं। और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आऊंगा राहुल जी, आप ही के पास आऊंगा। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये जो सारी जो रिले आज पेश की जा रही है चुनाव आयोग पर, ऐसा कहा जा सकता है कि वो लेम डिफेंस है या कुछ ऐसे ऐसे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गिर रहे हैं लेकिन खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पार्टी का जो गुट है, पार्टी नहीं बोल सकते, इस गुट का कुछ वजूद नहीं है, तो इसके लिए कोई उसका पॉलिटिकल जो लॉज है, इलेक्शन लॉज है, उसे उनकी जो डेफिनेशन है डेफिनेशन में आता नहीं। आज सारी सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी याचिका पेंडिंग है, तो अभी तय होना जरूरी है कि पार्टी पहली बात है या नहीं है। इसके बाद हम इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो पक्ष नहीं है वो इनको कुछ राहत मिलने की संभावना बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। पर नितिन जी, जो लॉ जो इलेक्शन कमीशन के पास है उसका जो 168 में पैरा नंबर 15 का जो जिक्र किया जाता है, अक्सर करते रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी पार्टी है, अगर सिंबल है तो वो राष्ट्रीय पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कोई उसका ले नहीं सकता, लेकिन राज्य की पार्टी है तो दूसरा राज्य अडॉप्ट कर सकता, उस राज्य की दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। अब उसमें ये भी था कि अगर कोई अगर गुट लेना चाहे या ग्रुप लेना या पार्टी लेना चाहे किसी का सिंबल या फिर पार्टी का कुछ और, तो ऐसे में पार्टी का नाम, तो ऐसे में उसे एक संख्या बल अपना साबित करना होता है। तो जैसे कि शिंदे गुट अक्सर कहता है कि सांसद हमारे पास ज़्यादा, विधायक हमारे पास ज़्यादा, और भी बहुत सारी नगर निगम में भी काफ़ी सारी भागीदारी जो कि हमारे पास उनके अपेक्षा बहुबल ज़्यादा है, तो वो आर्टिकल भी ऐसा कहता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, अयोग्य अयोग्य नहीं घोषित करने का जो उस पर जो फैसला आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन इलेक्शन कमीशन अपने विचार रखेगा या इससे हटके भी कुछ और कानून है? देखिए, ये जो अभी जो आपने जो जो डिस्कस किया है, जी जी, ये तो बात की बात है, उससे पहले आते हैं हम। पहली बात है, शिवसेना से अलग होकर ये बूथ अलग हो चुका है। आपने 10th शेड्यूल में आपका निबंधन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो 10th शेड्यूल में लिखा है, उनको एक नया पार्टी बनाना तो बनानी पड़ेगी या कोई दूसरी पार्टी में उनको मर्ज होना पड़ेगा। फिर वो सारे ये इलेक्शन आयोग का जो इलेक्शन कमीशन का इनका इनका रोल आ जाता है, चुनाव के चुनाव या पार्टी का नाम वगैरह। लेकिन पहली जो सीढ़ी जो है, पहली सीढ़ी भी सीढ़ी में ये मामला अभी अटका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी पार्टी की जो रिकग्नेशन है वो अभी तय नहीं हुआ है। तो जो चुनाव आयोग ने बीच में भी उनको राहत दी तो इंटरिम ऑर्डर था, टेम्पररी उनको ये चिन्ह दिया है, उनको वो चिन्ह तो आज सिर्फ टेम्पररीली या फाइनल ऑर्डर तक के लिए उनको ये मिल सकता है। और ये मामला में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले ये तय होना जरूरी है कि ये पार्टी है या नहीं, ठीक है। तो बात की बात है, आपने जो जो सारी चीजें अभी कहा, ये इलेक्शन लॉज जो आपने कहे हैं, वो तो उसका उनके बाद। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये लॉज पार्टी पर होते हैं ना कि किसी गुट पर लागू होंगे? अगर पार्टी पर नहीं, ये तो वोट भी होता है, उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा कि हमारा ये पार्टी है, ये नेशनल पार्टी है, लोकल स्टेट की पार्टी है, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। आज तक उन्होंने ये रजिस्टर नहीं किया, ठीक। राहुल जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मुझे दूसरे पैनलिस्ट पे जाना है। बात कम शब्दों में रखिएगा सर। ये आदरणीय नितिन जी बात कर रहे थे, उनसे बात कहना चाहते हो, कहना चाहता हूँ कि ये झूठ नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब और 40 विधायक और 13 सांसद पार्टी छोड़ के नहीं गई है, पार्टी शिवसेना ही में है।
एकनाथ शिंदे साहब ने कब कहा मैंने शिवसेना छोड़ दी, 40 विधायक ने कब कहा मैंने शिवसेना छोड़ दी, 13 सांसद कब बोले हमने शिवसेना पक्ष का त्याग किया, और शिवसेना में है इससे हमारा दावा शिवसेना हमारी है, जो विचार बाला साहब ठाकरे के विचार है हमारे है। और आप जो बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जब निकाल देगा, जब सुनवाई होगी तब होगी, लेकिन 1968 में यही सादिक अली का एक आप उदाहरण देना चाहिए, आप घटना सत्य है, आपको घटना मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में 1968 में भी ऐसा एक सवाल आया था, बिल्कुल आया था, 1968 में बताया देखिए निर्वाचन आयोग का कांग्रेस का शिवसेना ले सकती है, और हम आज भी कह रहे हैं कि हम शिवसेना ही है, वोट वगैरह क्या है, मतलब हमने शिवसेना छोड़ी नहीं, एकनाथ शिंदे साहब के साथ 40 विधायक 13 सांसद हम आज भी शिवसेना में है। खाली जो अंधेरी का जो उपचुनाव था विधानसभा का, उसमें सिर्फ निर्वाचन आयोग ने एक बाला साहब की शिवसेना और दाल तलवार और उद्धव ठाकरे उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनको मशाला चिन्ह दिया है, ये तो शिवसेना अभी फ्रीज है, फ्रीज ये बात में एकदम बता सकता हूँ कि इलेक्शन निर्वाचन आयोग में शिवसेना पार्टी का नाम और जो धनुष बाण है वो अभी फ्रीज है, उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर दलीलें रखी जा रही है, और हम ये आज ही पकड़ के हम शिवसेना में है, शिवसैनिक है और शिवसेना में रहने वाले, हमारा अलग फुट नहीं है और हम हार गए नहीं। ठीक है चिंतामणि जी, बहुत स्पष्ट उन्होंने कर दिया, जिस तरह से अभी तक हम जिस डिस्कशन कर रहे थे, हमें जो चीज बताई जा रही थी उसे एकनाथ शिंदे जी या फिर उनके जो गुट है जो राहुल लोढ़ा जी ने बहुत क्लियर साफ की है कि वो जगह एक ही है, वो जगह से हटे नहीं है, वो जगह उनकी है, बस उसका दावा है। मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है, अपनी बात रखें। हाँ देखो, अगर वो बोलते हैं शिवसेना हमारी है और उनको कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में नहीं जमता था, उनको ऐसा लगा कि हम लोग हिंदुत्व छोड़ा है, तो सत्ता स्थापन करने के बाद में 2.5 साल तक वो क्यों हमारे साथ में रुके? जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बने रहे तब 2.5 साल तक वो मंत्री बने रहे और उनके बाकी के लोग भी मंत्री बने रहे, तभी वो सोचना मनता था कि हम लोग शिवसेना के साथ में नहीं, क्योंकि शिवसेना विचारों के साथ में नहीं है। ठीक है, तो हम अलग अलग बराबर का आपने शिवसेना विचारों के उद्धव ठाकरे साहब विचारों के साथ नहीं थे, बराबर का आपने? नहीं, विचारों के साथ नहीं, तभी आप बोलते थे आपको शिवसेना पक्ष प्रमुख का विचार ठीक नहीं करके 2.5 साल के बाद में मालूम पड़ा, उसके पहले नहीं मालूम पड़ा। जब ही शपथ ग्रहण किया, जब ही राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में शपथ ग्रहण किया, तभी आपको ऐसा लगा नहीं। और देखो, कोई भी चीज है, आपको यहाँ पे साथकोटे साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि साथकोटे साहब देखो कि ये मिस्त्री और टाटा का जो केस है उसमें मिस्त्री उनके साथ में टाटा का जमा नहीं, मिस्त्री को पूरा अधिकार दिया था कि वो पूरी टाटा ग्रुप की जो टाटा संस की कमान संभाले, लेकिन मिस्त्री ने गलत किया करके मिस्त्री को निकाला गया और टाटा संस और मिस्त्री का केस सुप्रीम कोर्ट तक गई और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वर्डिक्ट दिया कि टाटा संस का कहना ठीक है और मिस्त्री गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखो कोई भी चीज, मेरा यही कहना इस पे है कि अभी कारकानी साहब ने बताया टाटा और मिस्त्री का जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण पे मेरा यही कहना है कि बाला साहब को भी पता नहीं था कि मेरे बच्चा उद्धव ठाकरे क्या करने वाले हैं, ठीक है राहुल जी सबका समय निर्धारित है, निवेदन है कि बीच में बाकी से आप हस्तक्षेप ना करें। चिंतामणि जी मैं आपके पास लौटूंगा, भरत जी के पास जाऊंगा। भरत जी, जिस तरह से देखा जाए कि कहते हैं कि गेहूं के साथ घुना भी पिस जाता है, वो वाला हिसाब कुछ आपके साथ हुआ है। अब अगर ये अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, अब शिवसेना से वैसे तो अभी तक दूरी बनी रही, अब जब करीबी आई तो पार्टी का ये खंडन हो गया, तो अब इस तरह से कांग्रेस इस पूरे मसले को कैसे देख रही है? देखिए, तो मेरी आवाज आ रही? जी सर, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच रही है। देखिए, ये लड़ाई जो है ये शिवसेना के आपसी अंदर की लड़ाई है, एक परिवार की लड़ाई थी, परिवार में अब जो है विघटन हो गया,
अब शिंदे गुट ये कहे, लोंढे जी ये कहे कि नहीं ये विचारों की लड़ाई थी, विचार जो है, विचार से हम जो प्रेरित थे, तो मेरा ये मानना है ये विचारों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी ईडी और सीबीआई से, ठीक है, ये लड़ाई थी भाजपा से, ठीक है। जो शिंदे गुट, जो शिंदे गुट के जितने लोग हैं, मुझे जहाँ तक मुझे पता है कि 17 लोगों का नाम मैं नाम गिना देता हूँ, इनको ईडी की नोटिस आई थी कि नहीं, शिंदे जी के पीए को 15 दिन तक दिल्ली में बिठा के रखा गया था, नहीं उसके बाद ही तो खेल शुरू हुआ, ठीक है, नहीं तो ये खेल 2.5 साल तक शिंदे जी को कहीं विचारधारा याद नहीं आई, तो शिंदे जी को डर है, शिंदे जी के बाकी लोगों को डर है, शिंदे जी को डर है ईडी का और उसका। अरे शिंदे जी देखिए, प्रताप शर्मा शायद आप जानते होंगे, प्रताप शर्मा जी को एक नया एंगल आपने जोड़ा सर जी, तो आप बताओ प्रताप शर्मा देखिए अभी एंगल आप सुन लीजिए क्या क्या एंगल है ये बता देता हूँ। प्रताप शर्मा को पिछले 1 साल से ईडी ने बार बार बुला के उनको समझाया कि आप जो है अलग हो जाइए, अपने लोगों से बोलिए अलग हो जाए, एक ही रास्ता आपके पास बचता है, या तो आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए सब लोग आके, तो या तो जो है ईडी से अपना जो है सारा जो भी है तो पाप है वो पाप नहीं धुल सकते, ठीक है। तो ईडी का डर सिंधिया जी को भी दिखाया गया था, ईडी का डर बीच में सचिन पायलट जी को भी दिखाया गया था, ईडी का डर किस किस को दिखा के पार्टी में शामिल किया, राहुल जी के ऊपर भी ईडी पूछताछ करे तो कल को डर है कि वो भी कहीं शामिल ना हो जाए, ये कौन सा तुक होगा भदौरिया जी, तो फिर बताओ बीच में इंटरेस्ट करेंगे तो फिर कर जाता है। नहीं नहीं आप बात रखिए, आप मैं बात रखूंगा कैसे रखूंगा, आप एक तो 15-20 मिनट के बाद मौका दे रहे हैं, नहीं इसीलिए सर मैंने आपको, ठीक है भाई, आपको हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपकी मैं खुद नहीं करूंगा, रखिए बात, मैं आऊंगा, नितिन जी एक वरिष्ठ वकील है, बहुत अच्छे वकील है और सब जानते हैं, ठीक है, अब सब जानते हैं कि आप मुझे बताइए अगर मुझे ईडी अगर बुला के और मुझे पूछताछ करे और मुझे ये डर सताए कि मैं इतना पैसा कमा लिया हूँ, मैं अगर 20 जेल में जाऊंगा तो मेरी मान मर्यादा सम्मान कहाँ रहेगा, तो अगर उसको प्यार से बोलते कि भाई तुम आ जाओ तुमको मुख्यमंत्री बना देता हूँ और ये सबसे बच जाओगे, क्यों भाई 21 दिन तक जब उनके पीए को आप बुला के रखे थे, प्रताप सरनाई को प्रताड़ित कर रहे थे, तब उस समय आप प्रताप सरनाई को याद किया, प्रताप सरनाई चिट्ठी लिखते हैं उद्धव ठाकरे जी को कि क्यों ना आप फिर से भाजपा में ज्वाइन हो जाए। आपको इंटरेस्ट करता हूँ, आपको इंटरेस्ट करता हूँ, ये जो एकनाथ शिंदे जी सीएम है उनकी जो पीए जो है उनको भी आया था नोटिस, ईडी का नोटिस आया था, यस नोटिस नहीं साथ पूछिए, नोटिस नहीं उनको दिल्ली में 21 तक बिठा के रखा था, ये किसी को पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ 21 दिन जब बिठा के रखा था तो उनके साथ ये सब रखी गई, बिल्कुल, या तो आप तोड़ के शिवसेना को तोड़ के आइए और नहीं तो फिर आप जेल में जाएंगे, वो बेचारे शिंदे जी करते क्या, अब लोंढे जी यहाँ बैठे हैं विचारधारा की बात करते हैं, अरे भाई हमने विधायक चुराते हुए सुना था, सांसद चुराते हुए सुना था, नगर सेवक चुराते हुए सुना था, बाप पहली बार चुरा लिया वो मैं पहले सुन रहा हूँ कि बाप को भी चुरा लिया, बाप के नाम को भी चुरा लिया, अरे भाई राहुल जी अभी 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 हस्तक्षेप मत करिए, वो अभी शिकायत करेंगे, निवेदन अभी हस्तक्षेप मत करिए, बात रख लेने दीजिए, ये तो फैक्ट है, आप अपने अरे शिंदे जी को इतना, ठीक है अब समय चुके, आपका समय सर मैं आपके पास अब लौटूंगा, नितिन जी थोड़ा सा मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा, नोटिस तक तो बात ठीक है, आपने सहमति दी, अब आपकी सहमति सिर्फ नोटिस तक है या फिर जो वो बोल रहे हैं पूरे हर बात पे सहमति है आपकी एज अ एडवोकेट, भी उन्होंने क्लियर कर दिया और सबके सामने बोल दिया विधानसभा में कि हम कैसे गए, हम कैसे भाग के गए, हम लोग कैसे कॉन्स्पिरेसी करते थे, ये विधानसभा में भी डिक्लेयर किया, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व के लिए गए हैं, उनका तो कॉन्स्पिरेसी इसका मतलब पहले से चल रहा था, पहले से अगर चल रहा है जी, कोई हिंदुत्व के नहीं, ये जेल में जाने से डर गए, राहुल जी जेल में जाने से डरते हैं, जेल इंडिया जी जाने से डरते हैं, डर गए, इंडिया जो डरता है वो भाजपा में जाता है और जो डरता नहीं वो कांग्रेस में जाता है, मुझे बात राहुल जी, राहुल जी जो डरता है वो भाजपा में भागता है और जो डरता है वो राहुल जी, अब राहुल जी अब जिस तरह से पहले आरोप था कांग्रेस का कि खरीदी फरोख्त होती है विधायकों को और सांसदों को या फिर पार्षदों को या पार्षद अध्यक्ष जो भी है सबको खरीदा जाता है, अब एक नया एंगल जुड़ा हुआ है कि ईडी का डर दिखा के भी पास कर लिया जाता है, तो आप इतना भयभीत हो गए ईडी से कि आपने सरकार बना ली और इतने लोगों को समेटा है, अब ईडी का डर इतना नहीं होना चाहिए,
उनके मैं तो उनके बयान पे हंस रहा हूँ, मैं किधर भयभीत हो रहा हूँ। अगर उनको स्क्रीन देख रहे होगी ना मेरे, तो स्क्रीन पे देखेंगे मैं हंस रहा हूँ, बयान पे कुछ भयभीत नहीं हुआ। मुझे डर किस बात का मामले में दीपक जी, कि एक जमाने में कांग्रेस 400 के ऊपर रहती थी, आज वो 40 के संख्या नंबर पे है। मुझे डर लग रहा है कि जो पार्टी के साथ गए हो, देखिए देखिए भरत जी जब आपकी बारी आई तो किसी ने बोला आप ऐतराज करने लगे। भरत जी जब किसी का नाम आ रहा है तो उसको ही बोलने दीजिए, फिर आप ऐसे भ्रमित मत करिए, हाईजैक मत करिए। आपकी बारी के दरमियान सिर्फ मैंने आपसे सवाल पूछा था, किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अब आप चाह रहे हैं अगर मैं भी सवाल ना पूछूं तो कोई बात नहीं, मैं आगे से वो भी कोशिश करूंगा कि वो भी ना करूं। जी 2024 में भाजपा वो पार्टी है, भरत जी पार्टी उसके साथ, भरत जी निवेदन है अगर आप दोनों लोग अगर बात करेंगे दर्शकों तक बात नहीं पहुंच पाएगी, निवेदन है प्लीज। मुझे बात कहनी है जी राहुल जी। अभी देखो जो पार्टी के साथ गए हैं, जो भाजपा के साथ में वो लोग गए हैं, वही भाजपा किसके साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी, रात को 12 बजे के बाद में अजीत दादा के साथ में सरकार बनाई थी, तो अजीत दादा कौन से थे, कौन सा हिंदुत्व था उनके साथ में? इसका मतलब भाजपा का और ठीक है चिंतामणि जी, मैं आप ही के पास आऊंगा राहुल जी के बाद। जी राहुल जी बात अपनी रखी दी, जो आप उत्तर देना चाहते थे उनकी बात का। जी देखिए अभी मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करा, 2 मिनट में बात खत्म करता हूँ। जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान किया है कि डर 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 किडी का डर, ऐसा डर वैसा डर, ऐसा कोई डर नहीं है हमारे मन में। मैं उनसे बात कहता हूँ, जैसा मुझे लगता है कि कांग्रेस ने किसी कोई माइक्रोफोन छुपा के रखा है, जैसे उनकी रोज बातें वो सुनते हैं, ऐसा यहाँ पे बयान कर रहे हैं कि वह ईडी के दफ्तर में क्या चल रहा है, प्रताप सरणी को क्या बात कही है, जो भाजपा को पार्टी मदद तो उनके पीए को दिल्ली में बिठाए। मुझे लगता है कि ये सब बातें हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दर चार मतलब पहले कांग्रेस का ऐसा एक था नंबर से 400 के ऊपर कांग्रेस, अभी वो 40 के ऊपर आई है। मुझे डर ऐसा लग रहा है कि मोदी जी रहने दो, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जो 6 महीने में जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र उनके सपोर्ट में आ रहा है, जनता उनके साथ जुट रही है, लोग उनको भारी तौर पर समर्थन दे रहे हैं। तो 1 महीना पहले महाराष्ट्र में 8,000 ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें से बाला साहब की शिवसेना को 1,500 के ऊपर सरपंच चुन के आए हैं। कांग्रेस तो 5वें नंबर पर गया, जो बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्ववादी विचार बोलते थे वो उद्धव ठाकरे को 6वें नंबर पर गया। अरे आत्मपरीक्षण कब करोगे आप? बाला साहब ठाकरे के विचार बोलते हैं राहुल जी समय का अभाव है, माफी चाहूंगा अब आपको रुकूंगा। चिंतामणि जी को समय बहुत कम मिल पाया, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। चिंतामणि जी आप अपने बात रखिए, समय बहुत कम है जी। देखो राहुल लोंडे जी बोलते हैं, मैं उनको एक बताना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास आपके साथ में लोग है, आपके साथ में जनता है, आपके साथ में सब लोग है और आपका कहना सही है, तो क्यों नहीं चुनाव लगाते, क्यों चुनाव टाल रहे हैं? थाने महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका, इनका चुनाव क्यों नहीं लगाते? तो वो मांग कर तो रहे, गेट बनाने की मांग कर तो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गेट बनाने साहब नगर निकाय चुनाव की मांग कर रहे हैं कि चुनाव कराने दीजिए। बात करने दो, मैं मेरी बात पूरी होने दो, फिर आप बात करो। ओके तो चुनाव टाल रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि अगर उनको लगता है हिंदुत्व है तो हिंदुत्व के लिए अगर वो गए हैं तो ये अभी भाजपा के साथ में कौन सा हिंदुत्व है भारत छोड़ो का? ये हिंदुत्व में हिंदुत्व सही असली हिंदुत्व में कोई तोड़ फोड़ की राजनीति हो के लिए हमारे चिंतामणि जी आपके कहे अनुसार आपके अकॉर्डिंग जो आपने विचार रखे अपने भारत जोड़ो या तोड़ो ये तो भारत की जनता तय करेगी ना, बीजेपी तोड़ रही है या शिवसेना जोड़ रही है, ये तो तोड़ने और जोड़ने का काम जनता है। चलिए समय का अभाव है इसलिए माफी चाहूंगा, मैं आगे इस डिबेट को नहीं ले जा पाऊंगा। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी पैनलिस्ट, राहुल जी आपका, चिंतामणि जी आपका, नितिन जी आपका और भरत जी आपका। तो जिस तरह से हो सकता है कि आज भी चुनाव आयोग में
कोई भी फैसला आए किसके पक्ष में आए ये भी देखने वाली बात होगी। हो सकता है कि अभी फैसला ना सुनाए, आगे की तारीख तय कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करे इलेक्शन कमीशन। लेकिन शिवसेना का क्या वाकई अब बंटवारा हो जाएगा? लेकिन जो भी हो, विचारों की लड़ाई से इतर यह संग्राम यहां सिंबल और नाम पर अब अटक गया है। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।